हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड मसाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिल्मी जगत से जुड़ा हुआ एक और मशहूर किस्सा लेकर आए हैं, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। हाल ही में रामायण के सेट पर हुई ऐसे वाकया कैसे हुआ, तमाम कोशिशों के बाद भी रामायण के शूट का फोटो लीक। रणबीर कपूर और साई पल्लवी को रामायण की शूटिंग करते हुए देखा जा सकता है। रणबीर और साई पल्लवी को राम और सीता के अवतार में हम देख सकते हैं। लीक हुई तस्वीर में रणबीर कपूर ने मेहरून रंग की धोती पहनी हुई है और मेहरून रंग का ही दुपट्टा उन्होंने लिया हुआ है, जो कि लंबे बालों में आकर्षक लग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर साई पल्लवी ने बैंगनी रंग की साड़ी पहनी है और उन्होंने भारी आभूषण भी पहने हुए हैं। दोनों को इसमें राम और सीता के अवतार में देखा जा सकता है। असल में तो राम और सीता का क्या अवतार था ये तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन बचपन से जो हम देखते आए हैं रामायण, उसमें राम और सीता के अवतार को ऐसा ही दिखाया गया है। राम के किरदार के लिए रणबीर कपूर को काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ रही है। जहां उन्होंने एनिमल फिल्म के लिए अपना वजन बढ़ाया था, वहीं इस फिल्म के लिए उन्हें अपना वजन भी कम करना पड़ रहा है और जो भी कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स हैं उसका भी उन्होंने परहेज कर रखा है। एनिमल में उनका किरदार रामायण के किरदार से बिल्कुल अलग हटके है, इसमें वो राम की भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले भी रामायण के सेट से लारा दत्ता और अरुण गोविल की भी फ़ोटो लीक हुई थी, जबकि नितीश तिवारी का कहना था कि उन्होंने शूट पर बिल्कुल मोबाइल का बैन कर रखा है कि सेट से कोई भी फ़ोटो लीक नहीं होनी चाहिए। वहीं अब दोबारा से रणबीर कपूर और साई पल्लवी की ये फ़ोटो लीक हुई है। अरुण गोविल जो कि इस फिल्म में राम की जगह दशरथ का किरदार निभा रहे हैं, इससे पहले अरुण गोविल ने रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाया था। वहीं लारा दत्ता इस फिल्म में केकई का किरदार निभाने वाली है और रावण के रोल के लिए यश को लेने की संभावना बनाई गई है और हनुमान के लिए सनी देओल को लिया जाएगा। फिल्म के कई हिस्से की शूटिंग भी हो चुकी है। फिल्म को रिलीज़ करने की संभावना 2025 दिवाली तक है, लेकिन उससे पहले जो फ़ोटो लीक हो रही है और उससे फैंस निराश हो रहे हैं, उन्होंने नितीश तिवारी को सलाह दी है कि कृपा करके आप सेट पर मोबाइल का इस्तेमाल ना करवाएं, जिससे कि रामायण फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही उसके कई हिस्से लीक हो सके। अब देखना ये होगा कि ये रामायण फिल्म लोगों को कितनी पसंद आती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।